अंतर समझ में आया होगा एकदम। ये सीधी सीधी क्यों चल रही है, सीधी क्यों जा रही है? दिल आ गया यार, पता नहीं क्या दिल आ गया ना। हाँ होता है, बाजू का काला टीका लगा दूं मैं। क्या है कि मैं बाइक के हिसाब से बियर्ड रखता हूं। देखो जिसकी बाइक एबीसीसी की अच्छा, वो थोड़ी डेंस बियर्ड रखे। अपन 200 सीसी पे चल रहे हैं अच्छा, अभी थोड़ी कम। तो ये तो आ जाएगी ना अभी जल्दी आने का। ये तो आ जाएगी लेकिन उसका नहीं पता कि ये कब आएगी। तो फाइनली दिस इज द सेकेंड वीडियो। जो फर्स्ट वीडियो आपने देखी थी वो बंद हो गई थी, और बंद नहीं मतलब वो पुरानी वीडियो थी, और उसमें ये प्रॉब्लम थी कि मैंने सुपर व्यू पे नहीं करके रखा था। अब फाइनली मैंने सुपर व्यू पे करके रखा है, एंड गोप्रो भी स्टार्ट हो गया है रिकॉर्डिंग करना। और फाइनली बजूका कौन करते हैं, 6:50 हो चुके हैं, अपन खड़े हैं कोलार के पेट्रोल पंप पे, और अब बाइक स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो, आज देखते हैं क्या मज़ा आने वाला है। अभी अपन जा रहे हैं फिलहाल मेरे भाई के घर, क्योंकि वहाँ से मुझे एक आध चीज़ कलेक्ट करनी है, और बाकी बैग भी देखना है अपन को। तो बैग की अगर कोई शॉप कोलार पे दिखेगी अच्छी तो वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। आई हैव नो आइडिया कि ये बड़े बैग्स कहाँ मिल सकते हैं। तो द मेन प्रॉब्लम इज़ कि यार ये वाले बैग मिलते तो बैग शॉप पे ही हैं। अब बैग शॉप कहाँ है वो मुझे अंदाज़ा नहीं है। एक सर्वधर्म पे ज़रूर है, वो शॉप एक बार टैली कर लेंगे, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ढूंढना पड़ेगा या डीबी जाना पड़ेगा, और दो ही चीज़ें हैं। तो लेट्स रश, देखते हैं आज क्या होता है। तो अपन लोग निकल गए हैं और अभी फ़िलहाल पहुँच गए हैं सीआई हाइट्स, जहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और अभी अपन आगे जाके देखेंगे। लेकिन यह है कि भीमागुंज साइड शायद उम्मीद है मुझे कुछ मिल जाए, और वहाँ नहीं मिला तो एक आध बैग का शोरूम कोई देखना पर्टिकुलर, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिले। मेरे कोई क्लू नहीं है कि कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल निकल गए हैं तो कुछ लेके ही आएंगे। तो अभी आ गए अपन भीमागुंज के पास में, और यहाँ तो मुझे कोई खास शॉप दिख नहीं रही बैग वैग से रिलेटेड। धीरे चलाएंगे अब बाइक ताकि अपन को एक अंदाज़ा हो जाए कहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मुंडी घुमा के देख लेता है। और यहाँ तो भाई साहब कुछ भी नहीं दिख रहा, और इस साइड क्या है, यहाँ तो कोई नेताजी खड़े होकर प्रवचन दे रहे हैं। अच्छा इलेक्शन वगैरह आ रहा है ना, कुछ ऐसे ही कुछ आने वाला है। चलो बढ़िया है, इनको भी करने दो इनका काम, अपन को काम है जो, वो काम तो हो नहीं पा रहा। अभी अपन ढूंढ रहे हैं शॉप, और यहाँ तो एक भी शॉप नहीं है यार, कोई भी पहचान की शॉप नहीं दिख रही, और ना कोई अंदाज़ा हो रहा है कि एक्चुअली अपन को कहाँ मिल सकता है। अभी तो यहाँ तो कोई भी शॉप नहीं दिखी अभी तक, आगे ही देखना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ ना सर्वधर्म साई ज़रूर। अरे मैडम हाँ ठीक है, चले ही आ रही है भाई, बीच रोड पे रोड चल रही है तो बिल्कुल रुकना तो चाहिए, ब्रेक मारना चाहिए। नहीं हम नहीं मारेंगे ब्रेक वरेक, चलो इक्वालिटी आ गई। अरे तो ये इक्वालिटी में थोड़ी ना आता यार, कि मतलब कहीं पे भी चल तो इक्वालिटी आ गई, ठीक है हमें भी पता है, लेकिन ये तो गलत है ना भाई, उड़ान किसी का उड़ाना थोड़ी ना है। चलो चलो आप चले आओ पो वो करके, मैं बता रहा हूँ मैं बाजू का बजाऊँगा भाई, पूरी बस बजेगी, धन 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 काँच वाँच गिर जाएंगे तुम्हारे बाजू बस के। हाँ यार ये तो गलत है, ऐसे करके चलाते हैं ये लोग, और फिर पीछे लिख देंगे सी एनी रैश ड्राइविंग कॉल दिस। ये भी ठीक है, क्या बात है, आतिशबाजी देख रहे हो आप। ये है मैजिशियन 80 का ब्लॉग, जहाँ आपको रोड का ट्रैफिक गड्ढे आतिशबाजी सब देखने को मिल जाएगा। बहरहाल एक ही ब्लॉग में इतना सारा कंटेंट, क्या बात है। और यहाँ अपन आ गए आगे, और यहाँ अपन को थोड़ा धीरे ही चलाना पड़ेगी, देखते हुए चलेंगे। यहाँ तो नहीं, कपड़े की दुकान दिख रही है। अरे भाई घुस जाओ, पे 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 तो अपन को फिलहाल दिख नहीं रहा है, और यहाँ ऐसे बदतमीज लोग ही ज़्यादा रहते हैं जो ऐसे टिड़े करके चलाते हैं गाड़ी, और ना वो बीच रोड पे चल रहा है। देखो आप, वो ना इधर लेफ्ट साइड आ रहा है ना राइट साइड आ रहा है, मतलब बीच रोड पे चल रहा है वो ऑटो वाला, और यहाँ ऐसे टिड़े बस बजाते रहो, सवारी जहाँ रुक जाए दिख जाए वहीं रुक जाओ, कोई वो नहीं है इन लोगों का। यहाँ पे देखते हैं क्या मिल रहा है, बाइक थोड़ी सी कोने में लगा देते हैं। हियर वी गो, मुझे चाहिए वो ट्रैकिंग बैग। हाँ
है। ओके ओके ओके, क्या का बना चाहिए ये सबसे बड़ा मेरे उससे भी अच्छी क्वालिटी इसकी वन ईयर गारंटी इसके पीछे फाइबर लगा हुआ एक सारी कंपनी से आई इसकी ये खोल ही दीजिए मैं इसमें ये डाल लेता हूँ और इसको टांग लूँगा बाइक पे होना मैं फिर क्योंकि थैंक यू जी धंधे के बाद और अच्छा लगेगा अभी तो खाली कुछ भी नहीं गया हाँ अभी कुछ नहीं है उसमें अभी तो समझ लो आपका कुछ भी नहीं हुआ सही बात है हाँ जब पूरा भर जाएगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा पीठ भरने के बाद ठीक है थैंक यू सो नाउ लेट्स रश एंड अब जा रहे हैं हम 1100 क्वार्टर्स सो नाउ लेट्स गो तो भैया अब अपना सामान तो पूरा हो गया है और अपन ने अच्छा वाला बैग ले लिया लंबा चौड़ा और अब फाइनली अपन निकल गए अपना ट्रैवलिंग के लिए एक और चीज़ लेनी थी मुझे जो मेरे भाई के मैंने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखवा दी थी तो अब वहाँ से मामी के घर से कलेक्ट कर लूँगा मैं और फाइनली अपने ट्रैकिंग का पूरा सामान कंप्लीट हो जाएगा और अब अपन को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अब कभी भी टूर अपन स्टार्ट कर सकते हैं तो ट्यून इन रहो भाई मज़ा आने वाला है व्लॉग्स में और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं व्लॉग्स इतना ही कहूँगा अभी के लिए तो और ट्यून इन रहोगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चीज़ें अपन करने वाले हैं शाहपुरा पे तो रश हमेशा ही रहता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रैफिक होता ही रहता है ये देखो और यहाँ सब धंधा नहाते हुए आते हैं अब अपन को बंजी कॉर्ड और ख़रीदनी पड़ेगी तो वो अपन जल्दी अमेज़ॉन से ऑर्डर करते हैं बाकी सारी चीज़ें अपन ने ख़रीद ली है गोप्रो हो गया है बैग हो गया है सारी एसेसरीज हो गई है गोप्रो की मतलब अब कंप्लीट व्लॉगिंग का सेटअप हो गया और कंप्लीट टूरिंग का सेटअप अपन ने कर लिया ऑलमोस्ट और ये अपन कहाँ से निकल रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता बट मैं बचपन में यहाँ रहता था तो मैं अक्सर यहाँ से निकल जाया करता हूँ क्योंकि वालिद जो थे अब्बा हमारे वो भी इसी रोड से आया करते थे तो भाई अब अपन जा रहे हैं फुलवारी वहाँ पे मोक्ष इंतज़ार कर रहा है और मोक्ष के साथ ही पचमढ़ी जाने का प्लान बना है तो पचमढ़ी से जो सब्सक्राइबर देख रहा है देख लो जल्दी वहाँ का व्लॉग आने वाला है और इंस्टाग्राम पे भाई अगर आपको जानना है कि अब मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ तो इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहो क्योंकि इंस्टाग्राम पे मॉर्निंग में मैं डाल दिया करूँगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ और फिर वहाँ के लोग आप लोग मुझसे मिल सकते हो अगर वहाँ पे कहीं आपकी इच्छा हो तो मीटअप की मीटअप कर लिया करेंगे तो भाई ट्यून इन रहने के लिए इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहना ज़रूरी है तो इंस्टाग्राम पे मैजिशियन एडी को फॉलो कर दो वहीं जाके आप लोगों को सारी अपडेट मिल जाया करेगी अभी मोक्ष के पास जा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को प्लान बनाना है पचमढ़ी जाने का क्या सीन रहेगा कैसे क्या करना है सारा सामान ले ही लिया अपन ने चेन ल्यूप वगैरह ले लेंगे तो एक नंबर झमाझम सारा काम हो जाएगा अपना कसम से भाई जगह ही नहीं है यहाँ से निकलने की जरा सी थी भाई कहाँ जा रहा हूँ मैं पचमढ़ी भाई हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल फाइनली न्यू गोप्रो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड भाई तो कह रहा हूँ पचमढ़ी जा रहा हूँ अभी डायरेक्ट निकल रहे हो क्या साला दो दिन बाद वहीं मिलता हूँ पैनियर्स वगैरह टांग दे यार इसमें भाई कुछ मत करो ये सही है अरे यार तुम लेके आ गए क्या बैग बैग पैनियर नहीं नहीं मैं अभी कुछ नहीं अच्छा भाई क्योंकि लेना पड़ेगा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है यार ये गोप्रो तो ये ना हाँ महंगा है ना हाँ महंगा है ना 40,000 रुपए जो कट के दिल में छेद हुआ है एक्चुअली था 30 का लेकिन उसके बाद एसेसरी ये वो इसका माइक ये वो उसके बिना कंप्लीट ही नहीं होता फाइनली हो गया अबे मुझे गिफ्ट कर दो क्या मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मैं पचमढ़ी निकलता हूँ डायरेक्ट वहीं मिलते हैं दो दिन जरा सबर करो चलो यहीं लगाते हैं भाई मैं लगाऊं तुम लगा लो भाई लो अंतर समझ में आया होगा एकदम ये सीधी सीधी क्यों चल रही है सीधी क्यों जा रही है भाई इधर ही कहीं लगा लेना अपने
पहली बात कब ला रहे हो, अब तुम कब ला रहे हो, जब तुम्हें साउंड की तलब लगेगी ना, जब जल्दी लाओगे तुम तब तुम जल्दी लाओगे। वैसे Z800 लेकिन ट्रैवलिंग के लिए तुम्हारे लिए परफेक्ट बीस्ट है। इतना तेज है यार, क्या थ्रोटल रिस्पांस? हाँ भाई, और रिस्पांस भी देखा होगा आपने। नहीं अभी तो नहीं, मैंने वो वाला अच्छा अभी गाड़ी पे ज्यादा था, किसी और की गाड़ी है, ध्यान से चलाओ। नहीं भाई, मैं दूसरी गाड़ी तमीज से चला। हाँ भाई, वो सबसे ज्यादा जरूरी वही चीज, अब वो चलाने में मुझे थोड़ी सी शर्म तो खैर नहीं आएगी बिल्कुल, पर डिफरेंस शर्म क्यों, हाँ डिफरेंस समझ में आएगा, और शर्म की तो कोई बात नहीं भाई। अपन ने R15 पे भी ब्लॉगिंग की है, बेंटली पे भी की है, ये आगे इस पे भी कर रहे हैं। ये देखो एकदम भूसा भूसा, कभी कुछ आ जाएगी उस पे भी चालू कर देंगे। मैं तो भूसा भी सोच रहा था भाई। देखो अब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन भाई ये अपन ने बढ़िया अच्छा खरीद लिया, अब अपना हमेशा का काम हो जाएगा, अब पूरा सेटअप लेके करके ला रहा हूं क्या अभी? हाँ ना भाई, तो मैं कह रहा हूँ अब कल से भाई ये लेके जाऊंगा। अरे भाई इतना बड़ा लगेज ले जाना पड़ता था, अभी दिक्कत क्या है, कोरोना के कारण मान लो ओला वोला कुछ ना मिले वहाँ पे भी रात को लॉकडाउन के बाद। क्या दिल आ गया ना? हाँ होता है, काला टीका लगा दूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, अबे अबे ऐसे किया मैंने, काला टीका वो फैल गया ना, मम्मी ने बचपन में लगाया था, मेरे गोप्रो से मेरी रिकॉर्ड कर। सॉरी गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, हियर वी आर विद मैजिशियन एडी। हाँ, इन्हें अभी इतना अच्छा जादू दिखाया कि इनका जो गोप्रो 5 था, क्या बात है, एकदम मैजिक से 4 था वैसे। हाँ, 4 था, 8 ब्लैक, वो 8 ब्लैक बन गया। ओके, तो इतना अच्छा मैजिक आपने कहां से करना सीखा? नहीं, ये एक्चुअली ये यही कला है, बाकी सब विज्ञान है। तो विज्ञान, ये जो बालों का थोड़ा सा मैं एक बार डिजाइन देखना चाहूंगा, और अच्छा विज्ञान है, हम आपको इसके पीछे का साइंस, इवेंट की प्रिपरेशन तो नहीं माने पर इसको मतलब ये जरूर है भाई। क्या बात है, मैंने भी बियर्ड सेट कराई ना, आई विल आल्सो शो यू गाइस। हां देखो कैमरे के सामने नहीं बताऊंगा मैं, बियर्ड दिखाइए भाई, ये देखो बियर्ड आप तो इनकी खतरनाक बियर्ड हो रही है मोक्ष भाई की। मैं सिर्फ नीचे से रखता हूं बियर्ड। हां, और क्या है कि मैं बाइक के हिसाब से बियर्ड रखता हूँ, देखो जिसकी बाइक हैवी सीसी की वो थोड़ी डेंस बियर्ड रखे, अपन 200 सीसी पे चल रहे हैं अभी थोड़ी कम, तो ये तो आ जाएगी ना अभी जल्दी आने का, ये तो आ जाएगी, लेकिन उसका नहीं पता कि ये कब आएगी। ये आ जाएगी, इसका नहीं पता। चलो चाय वाय पी लेते हैं, थोड़ी सी बाजूका चलाई आज मैंने थोड़ी सी फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये व्लॉग में बोलने से कोई और दोस्त तो बाइक नहीं मांगे? नहीं, नहीं मैंने नहीं चलाई, मैंने धक्का कर यहाँ पे खड़ी करी, काफी भारी बाइक है, किसी को मत देना। किसी को नहीं देना। अच्छा चलो चाय पीते हैं।